हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों गूगल लेके आने वाला है यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक क्या कंसेप्ट है, किस तरह का डेबिट कार्ड होगा या फिर इसमें क्या क्या फीचर्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और गूगल कैसे अपना डेबिट कार्ड विदाउट बैंक लेके आ सकता है। दोस्तों गूगल ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है और गूगल के बहुत सारे ऑलरेडी पार्टनर प्रोग्राम है, जैसे कि गूगल पे हो गया, आप यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, ये भी गूगल का ही एक प्रोग्राम है। गूगल यहाँ पे गूगल पे के साथ मिलके एक अपना फिजिकली डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। इस डेबिट कार्ड में बहुत अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई दुनिया डिजिटल बन रही है, यहाँ पे ऑलरेडी यूपीआई की मदद से यहाँ पे लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे यूपीआई की मदद से तो लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक फिजिकली डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलोगे भाई कैसे, भाई आपको कैश विड्रॉल करना है, एटीएम में जाके कैश विड्रॉल करना है, उस वक्त तो आपको एक फिजिकल डेबिट कार्ड ही चाहिए होगा ना। इसी को देखते हुए गूगल अपना डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है। एक स्मार्ट डेबिट कार्ड होने वाला है। यहाँ पे स्मार्ट किस तरह से होने वाला है, इसके थ्रू आप इंस्टेंटली आपका पिन जनरेट कर सकते हो या फिर इंस्टेंटली पिन चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने डेबिट कार्ड को इंस्टेंटली लॉक कर सकते हो या फिर इंस्टेंटली अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रॉड के जो झंझट होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत कम मात्रा में यहाँ पे फ्रॉड का चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो लोग स्मार्ट है, जो लोग डिजिटल है, उन लोगों के साथ तो फ्रॉड आज के ज़माने में भी नहीं होते और यहाँ पे फ्यूचर में भी नहीं होंगे। पर जो लोग, बहुत सारी जनता भोली है तो उनको इसके बाद इन सब के बारे में ऑलरेडी पता नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह से फ्रॉड होते हैं। बहुत सारे लोग ओटीपी के थ्रू फ्रॉड करते हैं या फिर बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग तरीके नए नए ढूंढते ही रहते हैं कि लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड हो जाए। तो यहाँ पे एक खास बात है कि आप इंस्टेंटली इसे आप ब्लॉक कर सकते हो, इंस्टेंटली अनब्लॉक कर सकते हो। इंस्टेंटली आपको लगता है कि भाई किसी को पासवर्ड आपका पता चल गया है, तो इंस्टेंटली आप गूगल पे में आप उसे चेंज कर सकते हो। एक इसकी खास बात है। और बात करेंगे यहाँ पे एक डेबिट कार्ड लॉन्च करने की, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड लॉन्च करना है तो किसी ना किसी बैंक के साथ गूगल को ऑलरेडी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यहाँ पे गूगल पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे लगभग 3-4 बैंक ऑलरेडी गूगल के यहाँ पे पार्टनरशिप के साथ चलती है, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। एक बहुत बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है और इनके साथ ऑलरेडी गूगल की पहले से पार्टनरशिप है। अगर आप गूगल पे का यहाँ पे यूज़ करते हो और यहाँ पे गूगल पे का UPI यूज़ करते हो, तो यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो आप @OKSBI या फिर @ICICI या फिर @Axis Bank, इस तरह से आपका UPI होता है। मतलब ऑलरेडी गूगल की इन सारे बैंकिंग के साथ पार्टनर के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप है। इन्हीं के साथ मिलके गूगल एक कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने वाले। इस कार्ड की खास बात यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे इसके साथ आपको इंस्टेंटली जो कुछ आपका कैशबैक मिलेगा, जो कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, गूगल एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आती है और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉलेट आज भी मार्केट में है और बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में है जो कि कैशबैक प्रोवाइड करती है आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन पे। पर गूगल एक में वो ऐसी कंपनी है जिसके मदद से आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपको कुछ भी कैशबैक मिलता है, तो गूगल पे का कैशबैक इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यही कंसेप्ट मुझे भी ऑलरेडी अच्छा लगता है और इसी को देते हुए कंटिन्यू मुझे लगता है कि गूगल इसी को कंटिन्यू करेगा और जो कुछ कैशबैक आपके डेबिट कार्ड पे मिलेंगे वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ इसका एक क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे लॉन्च होगा। क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे लॉन्च होगा, मतलब डायरेक्टली गूगल के थ्रू आपको प्रोवाइड नहीं होगा, इन्हीं कुछ बैंकिंग के पार्टनर की तरफ से आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको किस बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेना है, तो आप अपने हिसाब से उस ऑप्शन के हिसाब से आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, अपने पार्टनर यहाँ पे चॉइस कर सकते हो और उसके बाद आप वहाँ पे उनका क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। सेम बेनिफिट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे, जैसे पेट्रोल पंप पे, बहुत सी जगह पे आजकल भी, आज के ज़माने में बहुत सारे पेट्रोल पंप पे यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन मिलता है और कुछ जगह पे बस स्वाइप मशीन अवेलेबल होती है। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे दुकान में स्वाइप मशीन अवेलेबल होती है, वहाँ पे तो UPI का कुछ काम नहीं होता, उसी जगह पे आप ये सब कुछ स्वाइप मार के या फिर अपने डेबिट कार्ड से काम कर सकते हो। यहाँ पे इसके चार्जेस कितने रहेंगे या फिर ईयरली चार्जेस कितना रहेगा या फिर इसके और भी बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ये तो कुछ लिख के तो नहीं निकल के आ रहे, इसके बारे में कुछ डिटेल्स मुझे मिलते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये तो एक जस्ट एक न्यूज़ थी, इसके बारे में कुछ जो कुछ होगा आने वाले कुछ महीने में डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च होगा, जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बस ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को पाने हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ,
ऑलरेडी मेरे यहाँ पे पसीने छूट रहे। बस चलिए आज के वीडियो में इतना ही, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।